सवार विजय कुमार कवचित कौर 22वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। 2 अगस्त 2018 को जम्मू एवं कश्मीर के एक ग्राम दारसू में आतंकवादी मौजूद होने की प्राप्त सूचना के आधार पर प्रारंभ ऑपरेशन में सवार विजय कुमार प्रारंभिक घेराबंदी दल के मार्गदर्शक थे। रात लगभग 2:30 बजे आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी की परवाह न करते हुए उन्होंने जवाबी कार्रवाई कर आतंकवादियों को मक्के के खेत में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह लगभग 9:15 बजे तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने तलाशी दल पर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। निडर होकर सवार विजय कुमार खुले स्थान पर आ गए और अपने दल की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आतंकवादियों पर सीधी कार्रवाई कर दी। गोलीबारी में वे घायल हो गए, परंतु उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया। घायल होते हुए भी उन्होंने वहां से निकलने से मना कर दिया और अपने साथी द्वारा प्रभावी सुरक्षात्मक गोलीबारी के बीच रेंग कर आगे बढ़कर आमने सामने की भिड़ंत में दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। इस प्रकार सवार विजय कुमार ने दो कट्टर आतंकवादियों को मार गिराने में अदम्य साहस और कर्तव्य से ऊपर उठकर निर्भीक वीरता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय सवार विजय कुमार की पत्नी श्रीमती मेनका देवी।